नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया था। नागपुर शहर में भी रेल विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक और नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई सालों से नियुक्ति न मिलने पर निराश युवा भी दिखाई दिए। उन्होंने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि 2019 में महिलाओं के लिए जगह निकली थी, उन्होंने परीक्षा भी दी मगर कोई जवाब नहीं आया और उनकी जगह पर लड़कों को नौकरी दी गई। सर, ये धांधलता हुई है क्योंकि 2019 की ये भर्ती है, पुलिस सिपाही चालक की। ये भर्ती 15 साल बाद पहली बार निकली है, अभी तक भर्ती हुई नहीं है। ये क्या करते थे, जब पुलिस सिपाही की भर्ती थी उसी में से ड्राइवर को लेते थे, और लेडीज़ के लिए तो अभी ये फर्स्ट टाइम निकली है पुलिस चालक की भर्ती। तो इन्होंने हम लड़कियों की जगह पे लड़कों को लिया। जब हम अपने अपने जिले में भर्ती दे चुके हैं, हमारी पूरी प्रोसेस हो चुकी है सर। अभी इस बात को एक साल कम्प्लीट हो रहा है, एक साल से हम सबको पीछे लगे हैं कि क्या हुआ हमारे। हम सभी तरह के प्रधान मुख्यमंत्री जी को अभी ये दूसरा निवेदन है हमारा कि सर, इसलिए हमने स्मरण पत्र करके लिखा है। अभी एक साल से हम वही कोशिश में कि हमारे बारे में क्या हुआ। अभी 1 लाख भर्ती निकाल रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं लोगों को जॉब, या फिर 75,000 भी दे रहे हैं, हमारा कोई भी फायदा नहीं क्योंकि हमारी एज लिमिट निकल चुकी है। क्योंकि हमने सर को पहले बोला था, जब पुलिस चालक की भर्ती हुई थी, हमारी ड्राइविंग टेस्ट हुई, लेखी हुई, फिजिकल हुई, सब हो गया, तब इन्होंने हमको बोला कि आप लग चुके हैं, आपका हो गया है फाइनल। लेकिन जब फाइनल लिस्ट की बारी है तो तब इन्होंने हमारा नाम कट कर दिया। जब हम आप पूछने गए एसपी को कि सर ये क्या हुआ, आपने तो बोला था हमारी सिलेक्शन हो चुका है या फिर हम लग चुके हैं, तो एसपी बोल रहे थे वहाँ के कि नहीं, बोले मैम आपको 50% का क्राइटेरिया था उसके हिसाब से निकाला गया है, लेकिन ये 50% का क्राइटेरिया GR में नहीं है मेंशन। हमारा वही पूछना है कि आप ये दिखा दो कहाँ है, ये GR में नहीं है तो हम किस कहाँ देखेंगे। वो बोले नहीं है ये, जब हम वहाँ गए पूछने तो उन्होंने हमें ये बाय हैंड दिया है, कहीं भी ये लिखा नहीं है, कहीं भी ये पढ़ा नहीं है, ये सीधा हमें बाय हैंड मिला है कि ये ऐसे ऐसे इसके हिसाब से हमने आपको निकाला है और हमारे जगह पे लड़कों को लिया है। इन युवाओं ने कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को भी इस विषय पर निवेदन दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।